बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि वज़ीरे तलीम मुराद रास की वज़ीरे आला पंजाब से तफसीली मुलाकात जो हुई है उसमें कौन कौन सी बातों पे डिस्कस हुई है एजुकेशन के हवाले से। आए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि उस मुलाकात में क्या क्या बातें हुई हैं। नंबर एक पे, मुलाकात में स्कूलों को मरल वाइज SOPs के तहत खोलने के फैसले पर इत्तफाक़ किया गया है। लेटेस्ट न्यूज़ में आपको बताया जा रहा है कि SOPs के तहत स्कूल खोलने के फैसले पर इत्तफाक़ किया गया है। पहले मरले में मैट्रिक और FSC के समर कैंप जुलाई में हफ्ते में 3 दिन, ये पहले मैट्रिक के हवाले से कि FSC के समर कैंप जुलाई में हफ्ते में 3 दिन शुरू करने की इजाज़त जो है वो मुतवक्को है और इंशाल्लाह इस पे अमल होना शुरू हो गया है। और उसके बाद प्राइमरी और मिडिल विंग क्लासेस को 15 अगस्त से शुरू करने की इजाज़त दिए जाने का भी इम्कान है। लेटेस्ट न्यूज़ के साथ सबसे पहले समर कैंप का आगाज़ किया जाएगा, उसके बाद प्राइमरी और मिडिल विंग क्लासेस को 15 अगस्त से शुरू करने की इजाज़त दी जाने का इम्कान है। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 3 दिन सुबह 7 बजे से 11 बजे तक क्लासेस की इजाज़त होगी। ये समर कैंप की जो बात हो रही है जिसमें इंटरमीडिएट और मैट्रिक के जो स्टूडेंट्स हैं वो पहले मरले में आएंगे, जो कि जुलाई में स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद फिर सितंबर और अक्टूबर के महीने में जैसे ही हालात जो हैं वो बेहतर होंगे फिर हालात के मुताबिक मरल वाइज क्लासेस के दुरानिया का आस्ता आस्ता उनकी ड्यूरेशन जो है वो बढ़ जाएगी। और ये थी लेटेस्ट खबर कि वज़ीर आला पंजाब और मुराद राज के दरमियान होने वाली तफसीली गुफ्तगू जिसके जो मैंने आपके लोगों के साथ शेयर कर दी।